कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं एक ऐसे टूल के बारे में आपसे बात करूंगी जो कि आपको पता ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है आपके लिए, ठीक है। और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ वो पर्सन जो कि SEO कर रहा है, या फिर लेट्स से ब्लॉगिंग करना चाहता है, या फिर ब्लॉगिंग कर रहा है, या फिर जो पेड एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहा है। आप सभी के लिए ये टूल काफी ज्यादा अच्छा है और उस टूल का नाम है google.com। यानी google.com जो सर्च इंजन है, खुद उससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और मैं कीवर्ड प्लानर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गूगल सर्च की बात कर रही हूँ। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा सर्च इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी आपको गूगल को यूज करना है ना कीवर्ड रिसर्च करने के, तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड में आ जाओ, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड में आने के लिए लेट्स से कि मैं डायरेक्टली जो है एक बार गूगल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। गूगल अपन ने ओपन कर लिया, तो अब यहाँ पर आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो लेट्स से कि आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखा मेटावर्स, ठीक है। मेटावर्स आप लिखेंगे तो देखो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में आपको कुछ सजेशंस आ रहे हैं। ये सजेशंस कैसे आ रहे हैं आपने सोचा है? ये सजेशन ऐसे आ रहे हैं कि लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में और क्या वर्ड्स लगा के देखे हैं, यानी और क्या कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। उसके अलावा लेट्स से कि मैं इधर मतलब मेटावर्स में आगे जाकर और एक मैं अंडरस्कोर लगा देती हूँ और मैं स्पेस देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी तो ये जो स्टार्टिंग वाले जो मेरे वर्ड है ना, मतलब जो ऐसे वर्ड जो मेटावर्स से पहले लगाए हैं, जैसे फेसबुक मेटावर्स, सैंडबॉक्स मेटावर्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन मेटावर्स, ये वर्ड्स यहाँ पर रिवील हो गए, ठीक है। उसके साथ में ही चलो एक ना लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ट्राई करते हैं, जैसे कि लेट्स से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया इंटीरियर डिजाइनिंग इन दिल्ली, ठीक है। अब सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे पास वो आ रहे हैं कीवर्ड आइडियाज, अब यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं सबसे आगे जाऊंगी और यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा दिया और स्पेस दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेरे कीवर्ड जो हैं रिवील हो गए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कर देती हूँ डिजाइनर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे वापस से हम वही कर देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो देखो बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर दिल्ली, टॉप 10 ऑफिस बेस्ट, चीप एंड बेस्ट होम लग्जरी, टॉप 20 सैलून, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके अलावा चलो ठीक है थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने इंटीरियर टाइप किया और मैं ना डिजाइनर को हटा देती हूँ, इस स्पेस में मैं एक और स्पेस देकर अंडरस्कोर लगाकर फिर स्पेस दे दिया, तो देखो ये जो बीच वाले कीवर्ड्स हैं ना, वर्ड्स हैं, ये ओपन हो गए। इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, इंटीरियर डिजाइन कोर्स इन दिल्ली, इंटीरियर डिजाइन कॉलेजेस, इंटीरियर डिजाइनर्स एंड एग्जीबिशन कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से ये कीवर्ड आइडियाज निकला है। उसके साथ में ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आप कीवर्ड इस तरह से कीवर्ड यहाँ पर लिखोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे, आपको सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे, जो आपको सजेशंस आते हैं ना, दैट इज पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। अब देखो क्यों मैं ये आपको टूल बता रही हूँ, क्योंकि गूगल से बेस्ट ये कोई नहीं जानता कि गूगल पर क्या ट्रेंडिंग है और लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आइडियाज मिलेंगे वो टाइम के साथ चेंज होते जाएंगे और उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी चल रहा होगा, जो भी लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, वो आपको आइडियाज मिलेंगे। तो कीवर्ड आइडियाज जनरेट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जब भी मैं कीवर्ड रिसर्च कराती हूँ अपनी क्लासेस में, चाहे मैं अपने जब भी SEO ट्रेनिंग में, तो सबसे पहले मैं सर्प एनालिसिस बताती हूँ। तो सर्प का यूज करके आप जो है कीवर्ड रिसर्च बहुत ही एक्यूरेटली कर सकते हो।